अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इडली की रेसिपी और चटनी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो कप है ना, मेजरिंग कप, तो इसमें एक मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने 4 कप चावल लिया है। आप अपना नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं या इडली राइस भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा ये कम रेट में एक चावल मिलता है, मैं डी मार्ट से लेकर आती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। और 4 कप चावल और 1 कप मैंने उड़द दाल लिया है, तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है इडली के लिए। थोड़ा सा अगर हम इसमें दाल बढ़ा देंगे तो ये डोसे का भी बैटर बन जाएगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि डोसे बनाने के लिए ये मेजरमेंट नहीं है, ये सिर्फ इडली के लिए ही मैं बता रही हूँ। और 2 चम्मच मैंने 2 टीस्पून मैंने मेथी दाना डाला है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। और ये मस्ट है, आप डालिए, आपकी इडली का टेस्ट चेंज हो जाएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। यानी इसे भीगा धो लिया है मैंने, धो के इसे मैंने भीगने के लिए रख दिया था कुछ 5 घंटा। 5 घंटे से ज़्यादा हमने नहीं भिगाना है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में मैंने पहले सबसे पहले मैंने उड़द की जो दाल भिगाई थी वो मैंने पीस लिया है और वो पीस के मैंने रख लिया है। अच्छे से फेंटने के बाद मैंने टेस्ट किया तो ये अच्छे से फ्लोट कर रहा था पानी में, इसका मतलब ये अच्छे से फेंट गया है। अभी हम वही मिक्सर में चावल भी ले लेंगे और चावल को आधा आधा करके पीस लेंगे। अभी मैंने पीस के इसको एक मिक्स दे दिया अच्छे से, जितना अच्छा आप फेंट सकते हैं इस वक्त उतना अच्छे से आप फेंटिएगा। तो जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतना फ्लफ़ी बनता है इडली और सॉफ्ट बनेगी इडली, तो आप भी इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि वो आपस में दाल और जो चावल जो हमने पीसा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और कंसिस्टेंसी भी मैं बता रही हूँ, अगर आपको पानी कम लगे, बहुत गाढ़ा लगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और टेस्ट कीजिएगा कि कितनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर इडली नहीं बनेगी। पाँच दस मिनट के लिए फेंट सकते हैं आप इसे, थोड़ा थोड़ा रुक कर फेंट लीजिएगा और एक ही सर्कल में आप फेंटिएगा। जैसे क्लॉकवाइज फेंट रहे तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं फेंटना है, उससे क्या है फिर वो अच्छे से फ्लफी नहीं होगा। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। रुक रुक के वो थोड़ा थोड़ा अगर गिर रहा है स्पून से तो आप समझिएगा कि ये बराबर से बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे, ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। गर्मी में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। अब हम चटनी की तैयारी करते हैं। ये मैंने नारियल लिया है, ये चने की दाल जो रोस्टेड होती है, ये पीनट्स लिए सिंग, और ये 4 मिर्च है हरी मिर्च, और ये धनिया है मुट्ठी भर के, थोड़ी सी इमली, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ी सी लेना है, और 8 से 10 छोटे छोटे पीसेस मैंने, 8 से 9 ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं अदरक के। अब इन सब को हम पहले हम है ना पीनट्स को और चना दाल को भून लेंगे तवे पे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, फिर हम इसको सब मिक्स करके मिक्सी जार में पीस लेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने नारियल कम लिया था, आप थोड़ा ज़्यादा लेना, चने की दाल थोड़ा कम कर देना, यही मेरे से मिस्टेक हुई थी, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी चटनी बनी थी। आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिए चटनी बनाने के लिए। जो इडली वाले जो भैया होते हैं जो घूमते रहते हैं साइकिल पे, उनके जैसा टेस्ट आता है ये चटनी का। ये देखिए मैंने पीस लिया है, तो आप नारियल की क्वांटिटी प्लीज़ थोड़ा बढ़ा दीजिएगा और चने दाल की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा।
एक पैन में मैंने, हम इसको तड़का लगाएंगे चटनी को, एक पैन में मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने राई डाला है। राई तड़क जाए उसके बाद में हम सूखी लाल मिर्ची है और ये कड़ी पत्ता है तो हम इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। सूखी लाल मिर्ची की आप बीज निकाल दीजिए नहीं तो बहुत तीखी हो जाएगी चटनी। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़ीरा जैसे ही तड़क जाए हम फ्लेम बंद कर देंगे, गैस का नॉब बंद करके हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे ताकि कड़ी पत्ता हमारा जले नहीं। अब इस तड़के को हम चटनी में डाल देंगे। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। आप भी सेम मेजरमेंट बना सकते हैं, शायद आपको अच्छी लगे, लेकिन मेरे कहने पे आप नारियल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेना और दाल की कम कर देना। और इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है हमको, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का सा चंक्स आता है वो नारियल का तो वो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, यानी पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा पीस दिया था, आप थोड़ा कम पीसिए। चटनी रेडी है। अब देखिए ओवरनाइट फर्मेंट होने के बाद में ये बैटर कितना ज़्यादा फ्लफी हो गया है और बहुत सॉफ्ट इडली बनेगी इससे। तो हम इसमें क्या करेंगे, चम्मच से अच्छे से एक्स्ट्रा जो एयर होती है ना इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चम्मच से इसे हिला लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है वो निकल जाए और ये इडली का बैटर थोड़ा सा नीचे बैठ जाए। आप बड़े बर्तन में लेना, देखिए मेरा पूरा फूल हो गया था पतीली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो गया था और फ्लफ़ी भी आपको लग रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो जिस बर्तन में हम बनाने वाले इडली उसे ऑयल कर देंगे हम अच्छे से। ऑयलिंग करने के बाद में हम इसमें इडली बैटर डालेंगे और स्टीम करने के लिए हम इसे रख देंगे। अच्छे से ऑयल अप्लाई कीजिए। अब इसे स्टीम दीजिए 10-12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट में ये रेडी हो जाती है। एक इडली रेडी हो गई है। इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा नहीं तो फिर ये चिपक जाती है बर्तन में, चिपक जाती है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर के लिए रख दीजिए 5 मिनट के लिए। फिर इसे हम रिमूव कर लेंगे बर्तन से। इस तरह से देखिए इडली रेडी हो गई। मैं अभी आप उसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये एकदम वाइट बनी थी और फ्लफी भी बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी। ये देखिए ये था हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। आप भी ये रेसिपी इसी मेथड से तैयार कीजिएगा और बनाइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।